युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तों, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपने भक्तों की सुविधा के लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनवाई है, जिससे कि शनि पीठ मंदिर के जो सभी हमारे भक्तगण हैं वो बड़ी सरलता से हमारे मंदिर की सभी सेवाओं का लाभ उठा सके। इस ऐप का नाम है एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें तो आपको सीधे प्ले स्टोर पर उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इस ऐप को एक बटन दबाकर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने का एक और तरीका है, यदि आप इसके नाम को प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे यानी कि एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी, इन वर्ड्स को आप प्ले स्टोर पर चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आप हमारी इस ऐप तक पहुंच जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप हमारे शनि पीठ मंदिर की कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आप हमारे शनि पीठ मंदिर से फ्री में ज्योतिष परामर्श ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समाधान जान सकते हैं और काफी कम प्राइसेस पर आप हमसे अंगूठियां भी खरीद सकते हैं, अपने लिए यज्ञ हवन पूजन इत्यादि का भी आयोजन करवा सकते हैं। ऐसी कई सारी सर्विसेज, ऐसी कई सारी सेवाएं हमारे शनि पीठ मंदिर द्वारा हमारे भक्तों के लिए प्रदान की जाती है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आज 8 जून 2020 दिन सोमवार, आषाढ़ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज तृतीया तिथि शाम 7:56 तक रहेगी और उसके पश्चात चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त है, दोपहर 11:52 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 7:07 से लेकर 8:52 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशिफल बताता हूँ ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। आइए अब जानते हैं कि मेष शनि की एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति की सहायता लेने से आपको अपने व्यापार में लाभ होगा और आज आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। आज आप अपने आप को मानसिक रूप से सुखी महसूस करेंगे और भगवान द्वारा बख्शी गई सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी एकदम उत्तम रहने वाला है, जिससे आप अपने आप को पूर्ण रूप से जोशीला महसूस करेंगे। आज स्वयं का व्यापार करने वाले व्यक्तियों का भाग्योदय हो जाएगा और आज आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप पर धन की वर्षा हो रही है। आज एक के बाद एक नए कस्टमर्स आपके पास आते रहेंगे और बड़े बड़े ऑर्डर प्राप्त होने से आप भारी मुनाफा कमाएंगे। आज आपको अपने पिताजी से किसी बात पर विवाद हो सकता है, यदि आप आज इस बात का ध्यान रखें कि आपके पिताजी आपसे उम्र में बड़े हैं और आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो
आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। आज अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज विदेश यात्रा करने से धन की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक लोग भी आज विदेश में कोई डील क्लोज करके भारी मुनाफा कमा सकते हैं। विशेष तौर पर आज छात्रों के लिए बहुत ही शुभ दिन है और आज वे अपने आप को पूर्ण रूप से जोशीला और भाग्यवान महसूस करेंगे। आज उनकी मेहनत का संपूर्ण फल उनको मिलेगा जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। आज यदि आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आज माता पिता को भी अपने बच्चों का प्रोत्साहन करना चाहिए और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, परंतु अपने भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में आज थोड़ी खटास आ सकती है और बेवजह के विवादों के कारण आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। वृषभ राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका मित्र आपसे अपने पुराने किए हुए वादों से मुकर सकता है जिससे आप अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाएंगे। इससे आपकी दोस्ती पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा और आज आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आपको यह मित्रता आगे जारी रखनी है या नहीं। आज आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा क्योंकि आज वे अपने मित्रों से झगड़ कर आए हैं और उनका माइंड डिस्टर्ब है। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें और शांति से कैसे विवाद सुलझाया जाता है इसकी शिक्षा दें। आज आपको अपने मामा जी के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। छात्रों को आज अपने अध्यापकों से डांट फटकार मिल सकती है और ऐसी हालत में भी आपको अपने गुरुओं का अपमान करने से परहेज करना है, अन्यथा आप बर्बाद हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। यदि स्टूडेंट्स आज रात को कोई लेसन पढ़ते हैं तो वह उन्हें याद नहीं रहेगा और उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मेरी आज स्टूडेंट्स को यह एडवाइस है कि आप दिन में ही पढ़ाई करें। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर किया गया अध्ययन सर्वोत्तम है। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वह लगातार ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं कि जो भी वह पढ़ते हैं उन्हें याद नहीं रहता है और एग्जाम में भी उनके नंबर कम आते हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपकी कंसंट्रेशन पावर में वृद्धि होगी और विद्या अर्जित करने के लिए की गई मेहनत सदैव रंग लाएगी और आप सभी एग्जाम्स में मनवांछित नंबर लेकर आएंगे। आज आपको अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा और आपके अतिथि आपकी आवभगत से प्रसन्न रहेंगे। आज सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। यदि आपके पिताजी का स्वास्थ्य पिछले कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा था तो आज उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा जिससे आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन खास है क्योंकि आज आप अपने अध्यापकों की गुड बुक्स में आ जाएंगे जिससे आगे चलकर आप चाहें तो अपने अध्यापकों से कोई फेवर भी ले सकते हैं।
अपने अध्यापकों की प्रशंसा से आप मोटिवेटेड फील करेंगे। आज आपको अपनी बुआ के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अपना व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को आज मन मुताबिक मुनाफा ना होने के कारण उनकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी और मानसिक चिंताएं उन्हें घेर लेंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यवसाय में आपको मन मुताबिक फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपका बिजनेस चल निकलेगा और आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी आमदनी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपके भाग्य का सितारा बुलंद है और आज आप अपने भाग्य के दम पर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे और यदि आपके पिछले कई दिनों से कोई पेमेंट आनी बाकी थी, तो वह भी आज आपको मिल जाएगी। आप जो मेहनत पिछले कई दिनों से कर रहे थे, उस कार्य में आज आपको सफलता मिलेगी और रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। आज आपको चैन की नींद आएगी और आप पूर्ण रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। आज यदि आप तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये यात्रा सुखद रहेगी और आपको मनवांछित फल भी प्राप्त होंगे। परंतु आज आप किसी भी हालत में अपने दोस्तों को उधार ना दें और ना ही अपने दोस्तों की बातों में आकर बिना जांचे परखे कोई इन्वेस्टमेंट करें। यदि आज आप अपने दोस्तों को उधार देते हैं, तो वह धन आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके विरुद्ध रहेंगे और आज आपके सहकर्मी ही आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वर्क प्लेस पर आज बेवजह के विवादों से आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आज आप मानसिक तौर पर भी परेशान रहेंगे, जिस कारण आप अपने कार्यों में रुचि नहीं ले पाएंगे। छोटी छोटी अड़चनें भी आज आपको बहुत बड़ी प्रतीत होंगी और मनोबल गिरने से आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, क्योंकि आज वही आपको प्रोत्साहित करेंगे। परंतु आज आपके पितृपक्ष का कोई व्यक्ति आपको ऐसी सलाह देगा जिससे आपकी मानसिक चिंताएं थोड़ी कम होंगी। आपके पिताजी का भाग्य भी आज आपकी वजह से चमक उठेगा और यदि उनका अपना व्यवसाय है, तो आज उन्हें विशेष धन लाभ होगा। आज आपका कोई सरकारी काम यदि अटका हुआ था, तो वह भी बन जाएगा। आज यदि आप चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में चढ़ाते हैं, तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है और आज आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे जिनसे आपका व्यापार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। आपके बिजनेस पार्टनर आज आपसे प्रभावित रहेंगे और आपके डिसीजंस की प्रशंसा करेंगे।
यदि अपने कार्यस्थल पर आप पिछले कई दिनों से समस्याओं का सामना कर रहे थे तो आज वे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी, जिनसे आपकी मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज आपके शत्रु आपका बाल भी पाकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज आप उनकी योजना तुरंत ही समझ जाएंगे और एडवांस में ही ऐसे कदम उठा लेंगे जिनसे वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज आपके मित्र वर्ग में भी विस्तार होगा और आपके कुछ ऐसे नए कनेक्शन बनेंगे जो आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। आज पीला मीठा चावल बनाकर बच्चों में बांटने से आपको बृहस्पति देवता का आशीर्वाद मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आज रक्तचाप गिरने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज लोहे की मशीनरी से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेष तौर पर धन लाभ होगा और आज कस्टमर्स बढ़ने से आपकी इनकम में इजाफा होगा। आज यदि आप विदेश यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगी और आज आपको करियर ग्रोथ के नए ऑप्शंस प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी विशेष तौर पर यह विदेश यात्रा अत्यंत शुभकारी होगी और आपको नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आज यदि आप किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो उसका भला हो जाएगा और उसके सभी काम बन जाएंगे। आज यदि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ जाएगी। आज साधु संतों को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें आदर भाव के साथ भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आज किसी भी राशि का कोई भी जातक मन चाहा जीवन साथी प्राप्त कर सकता है। आज आप प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर अपने घर में एक केले का पेड़ छोटे गमले में लगाएं। इसके बाद आप उस पेड़ की पूजा धूप दीप दिखाकर करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोबारा दोहरा रहा हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इसके बाद आप आज से शुरुआत करके नित्य ही केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मनचाही जीवन साथी की तलाश जल्द से जल्द पूरी होगी। आइए अब जानते हैं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। आज उन्हें अपने परिश्रम का मनवांछित फल प्राप्त होगा। किसी वीकली या मंथली टेस्ट में अच्छे नंबर आने से आज आपका मनोबल बढ़ेगा और आप पढ़ाई में रुचि लेने के लिए और प्रेरित होंगे। आज यदि आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दिन शुभ है, क्योंकि आज अर्जित की हुई विद्या आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आज अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहने से आपकी प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। आज आपके दयालु स्वभाव की चर्चा पूरे समाज में होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज किसी सरकारी नियम कानून में ऐसा बदलाव होगा जिससे आपको अपने व्यवसाय में फायदा होगा। आज आपको किसी से भी उधार लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आप उस उधार को कभी भी नहीं चुका पाएंगे और जीवन भर उस व्यक्ति के कर्जदार रहेंगे। आज किसी भी कार्य की शुरुआत से पूर्व पिताजी का आशीर्वाद लेने से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन नया घर या वाहन लेने के लिए अत्यंत शुभ है। यदि आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे आपकी धन की बरकत होगी। जो भी लोग पिछले कई दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उनको शुभ समाचार प्राप्त होगा और इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकता है या हो सकता है कि उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाए। आज का दिन अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए अत्यंत शुभ है और यदि आज आप व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका व्यवसाय बुलंदियों पर पहुंच जाएगा और आपको कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आज ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी इच्छा मारकर अपनी मनचाही चीज का त्याग करना पड़े। आज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाने से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज उन्हें पदोन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज कोई सीनियर पोस्ट पर उनको प्रमोशन मिल सकता है जिसके बाद उनको कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। राजनेताओं के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज उनका रुतबा उनकी पार्टी में बढ़ जाएगा। आज आप अपने आप को अति भाग्यशाली महसूस करेंगे क्योंकि आज आपके सभी प्रयास आपको फेवरेबल आउटकम देंगे। आज आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है इसलिए आज किसी के लिए भी आपकी प्रगति को रोक पाना असंभव है। आज धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी और जीवन के रहस्य जानने की आपकी जिज्ञासा भी आपको धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरित करेगी। आज पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मीन राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।